subscribe now and press the bell icon. फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल. कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छा हूँ. फ्रेंड्स, आज मैं खोवा मलाई का पेड़ा रेसिपी लेकर आया हूँ, वो भी हलवाई स्टाइल में. तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको इसको पता चल सके कि इसको कैसे बनाना है. तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक किलो खोए में 400 ग्राम यहाँ पे चीनी डाली गई है एक बड़ी कढ़ाई में, और फ्लेम को अभी हम एकदम लो रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए खोआ और चीनी. फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसको कॉन्टीन्यूअस आपको चलाते रहना है, ताकि हमारा खोआ लगे ना. अभी देखिए ये लो फ्लेम पे है, ये थोड़ा थोड़ा देखिए मेल्ट होने लगा है. अब हम अपने फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसको हम तब तक भूनेंगे तब तक कि थोड़ा सा ये हार्ड ना हो जाए. बहुत ज़्यादा हमें इसको हार्ड नहीं करना है, हम इसे चेक भी कर लेंगे ताकि हमारे पेड़े के लायक ये रेडी हो जाए. चलिए फ्रेंड्स, हम इसको सबसे पहले खूब अच्छे से मिक्स करते हुए फेंट लेते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नाइफ में थोड़ा सा ले लिया है और इसको ठंडा होने देंगे. जब वो ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसको चेक करेंगे. देखिए मेरा ठंडा हो गया है नाइफ वाला. अब मैं इसको ले के हाथ में इसको गोल बनाऊंगा गोली. देखिए ये गोल बन रही है अच्छे से, यानी कि हमारे ये रेडी हो गया है. अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे. फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और चलाते रहेंगे अच्छे से, ताकि ये और चिकना हो जाए और ये सॉफ्ट बना रहे. चलिए फ्रेंड्स, हम इसको पहले अच्छे से खूब चला लेते हैं. देखिए चलाते चलाते हो गया है. हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए. देखिए ठंडा हो गया एकदम. अब मैं इसको देखिए वो निकाल रहे हैं अच्छे से चारों ओर से, ताकि ये अच्छे से इसकी बॉन्डिंग बन जाएगी. ये देखिए निकल गया है लगभग लगभग. अब इसे खूब अच्छे से हम फेंट लेंगे हाथ से, मसल लेंगे. उसमें उससे पहले हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करते हैं थोड़ा सा. और इलायची पाउडर डालने के बाद इसको देखिए अच्छे से मिक्स करते हुए खूब अच्छे से फेंट के एक साथ डो रेडी कर लेंगे. देखिए इसका डो भी रेडी हो गया है. अब उन्होंने निकाल लिया है इसके छोटे छोटे लोई काट के बॉल्स, उसके छोटे छोटे मिनी साइज़ के पेड़े देखिए काट रहे हैं बॉल. इसी तरह से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पेड़े के आप बॉल्स कट कर सकते हैं. यहाँ पे ये छोटे छोटे पीसेस कट कर रहे हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसी तरह से सारे बॉल्स अपने रेडी कर लेते हैं. देखिए यहाँ सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं पेड़े के. अब इसको गोल गोल बॉल करके एक तरफ साइड करते जा रहे हैं, ताकि ये गोल बॉल्स रेडी हो जाएं. देखिए ये इस तरह से बॉल्स हो रहे हैं सब, धीरे धीरे साइड्स में रखते जा रहे हैं वो रोल करते हुए. ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं लगभग लगभग. अब वो यहाँ पे पिस्ता को चॉप किया हुआ है, कटा हुआ है, उसको देखिए एक एक पीस ऊपर लगाते जा रहे हैं अपने सारे पेड़ों में. इसी तरह से आप अपने टेस्ट के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं. इसी तरह से देखिए सारे कर लिए, और अंगूठे या उंगली की मदद से बस बीच में छोटा छोटा सा गड्ढा करते चलेंगे. और देखिए हमारा पेड़ा, छोटे पेड़े, मलाई पेड़ा, खोआ पेड़ा, पिस्ता पेड़ा, कुछ भी कह सकते हो, और बहुत ही यम्मी पेड़े ये रेडी हैं. आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. Thank you friends and have a nice day all. Bye bye.